जयप्रकाश गुप्ता जी मौजूद है। जयप्रकाश गुप्ता से हम जानना चाहेंगे कि जो पक्ष श्रेष्ठी ने आप पर जो विश्वास दर्शाया है और आपको NMRD में एक सदस्य के रूप में आपको नियुक्ति दी हुई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं हमारे नेता मार्गदर्शक और शहर के लोकप्रिय खासदार और केंद्रीय मंत्री, अभी जो केंद्रीय मंत्री फिर से हो जाएंगे ऐसे माननीय नितिन जी गडकरी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, सभी हमारे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े, सभी विधायक, सभी नेताओं का कि मुझे नागपुर विकास प्राधिकरण जो NMRDA में सदस्य करके मेरी नियुक्ति की गई। और साथ ही जैसा कि हमारे नेताओं की संकल्पना है कि पूरे दुनिया में एक बेहतर शहर नागपुर शहर बने, न पूरे विश्व में, देश ही नहीं पूरे दुनिया में एक बेहतर शहर बने, मैं समझता हूँ कि उनके साथ हम लोगों को काम करने का उन्होंने जो मौका प्रदान किया उसे बहुत बड़ी अच्छी संधि है कि नागपुर का जैसा आज पूरे देश में चर्चा होती है नागपुर शहर की, लगभग 72,000 करोड़ के काम माननीय नितिन जी गडकरी ने किए हैं। और सभी क्षेत्रों में सिर्फ सीमेंट रोड नहीं, मेट्रो ट्रेन आई है, सर्वांगीण विकास इस शहर का हुआ है। और ऐसे समय में नागपुर विकास प्राधिकरण की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि नागपुर शहर के अलावा शहर के बाहर 35 किलोमीटर तक लगभग हमको शहर का विकास के साथ में ग्रामीण का भी विकास करने की संधि प्राप्त हुई है। बहुत सारी समस्या भी इसमें है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे इतने बड़े नेताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम हर समस्याओं को बहुत प्रामाणिकता के साथ हल करेंगे। एक अच्छी टीम नागपुर शहर के विकास के लिए हम लोगों को मिली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले नागपुर सुधार उपन्यास थी, नागपुर महानगर पालिका विकास कार्यों में एक अग्रणी संस्था तो है ही, लेकिन अभी NMRDA के माध्यम से अब इसको और विकास को गति प्रदान करने का काम होगा। बहुत सारी समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्र की है और भी जो इससे लगे हुए क्षेत्र की है उसको समस्या को हल करने का, क्योंकि हम लोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, हम लोग लोगों के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारा इसमें समावेश हुआ है, तो निश्चित रूप से उन लोगों के प्रति भी हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि ऐसे सब लोगों को सही ढंग से न्याय मिले। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सब लोगों को हमारे नेताओं के माध्यम से हम एक सेतु का काम करेंगे। इसमें हम आम जनता, हमारे किसान भाई, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके और हमारे नेताओं के बीच का, जो हमारे माननीय नेता हैं, गडकरी साहब हैं मुख्यमंत्री, उनके बीच का एक समन्वय साधने का काम हम लोग करेंगे। एक समन्वय के रूप में हम निश्चित रूप से हम सदस्य जरूर हैं प्राधिकरण के, लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी होगी कि एक समन्वय करके उनके सेतु बन के काम करें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें, क्योंकि बहुत व्यापक क्षेत्र है इसमें काम का, नई जिम्मेदारी है। और ये संस्था का कार्यकाल जैसा अभी हम लोगों को बताया गया कि इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा काम करने का मौका, लेकिन विधानसभा के चुनाव भी अक्टूबर में हैं, समय कम है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का हमको कि जिसमें आने वाले समय में विधानसभा के पहले हम लोगों की समस्याओं का सही ढंग से निराकरण करें, ये हमारी पूरी कोशिश और हमारी जिम्मेदारी रहेगी। मैं हमारे माननीय नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस और सभी नेताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं नागपुर सुधार उपन्यास का भी विश्वस्त रहा, नागपुर शहर के विकास कार्यों की जानकारी, उसकी समस्या से संबंधित सभी मुझे भी पूरी जानकारी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी मेरे अनुभव हैं मैं उसका भी